लिया है। वर्तमान तेलंगाना में या तो केसीआर खुद है, या उनके बेटे हैं, या उनकी बेटी है, या उनके भतीजे हैं, या उनके भांजे हैं, या चाहे उनके ससुराल वाले हैं, कोई बचा ही नहीं है। बस यही काम, लूटो। क्या आपने कभी सोचा है कि वो कैसे आपके एक वोट का उपयोग केवल अपने परिवार को अमीर बनाने में कर रहे हैं? इन लोगों ने तेलंगाना में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। ना कुटुंब सभ्युलारा, परिवारवाद का सबसे बड़ा नुकसान देश के युवा को उठाना पड़ता है। जब पूरा सिस्टम एक परिवार की सेवा में लगा रहता है, तब वो परिवार सिस्टम में टॉप से लेकर बॉटम तक उन्हीं लोगों की भर्ती करता है जो उनके करीबी हो। तेलंगाना के नौजवानों को वो अवसर नहीं मिलता है। फिर किसी भी महत्वपूर्ण पद पर तेलंगाना के तेजस्वी युवा को भी कोई मौका नहीं मिल पाता है। इन लोगों से अलग बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो किसी विशेष परिवार के बजाय सामान्य मानवीय और उसके परिवार के लिए काम करती है। ना कुटुंब सभ्युलारा, तेलंगाना के लोगों को ये कांग्रेस से भी बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ये तो बड़े खिलाड़ी हैं, इनको देश समाज कुछ लेना देना ही नहीं है। और पूरा हिंदुस्तान कांग्रेस को नकार चुका है, नकार चुका है। और आप तो जानते हैं, कांग्रेस जिस राज्य में से एक बार जाती है, फिर उसका सरकार में वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसलिए कांग्रेस की कोशिश किसी भी तरह वोटों का बंटवारा करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। और बीआरएस कांग्रेस को वोटों का बंटवारा कराने के लिए तिजोरी खुली करके बैठ गई है, पर्दे के पीछे खेल चल रहा है। बैकडोर एंट्री, ये बीआरएस और कांग्रेस की भरपूर चल रही है। इसके लिए वो राज्य की अन्य कमजोर पार्टियों को अपना सहारा बना रहे हैं। आज जब तेलंगाना में बीआरएस की हार तय है, बीआरएस का पराजय तय है, बीआरएस का जाना तय है, तो कांग्रेस ने पर्दे के पीछे बीआरएस से गठबंधन कर लिया है। कर्नाटका चुनाव में बीआरएस ने कांग्रेस की जमकर मदद की थी, और अब इस चुनाव में कांग्रेस अपना कर्ज उतार रही है, क्योंकि कर्नाटक में भरपूर खजाना ये तेलंगाना की जनता से लूटा हुआ माल कर्नाटका में कांग्रेस को दे दिया गया, ताकि वहां कांग्रेस जीत जाए, फिर उसको मिलकर के तेलंगाना में जिल जाए। ये बीआरएस खेल करती है भाइयों। मैं आज पहली बार एक रहस्य खोलने जा रहा हूं। खोल दूं?
सच बता दो, बता दो, बता दो भाइयों, पहले कभी नहीं बताया, आज बता देता हूं। और मेरे पत्रकार मित्रों से भी कहता हूं, जांच करवा लेना, शत प्रतिशत सच्चाई बताने आया हूं मैं आज। जब हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ, भारतीय जनता पार्टी 40-45 सीटें जीत करके आ गई, 48। किसी को बहुमत नहीं मिला, केसीआर को सपोर्ट की जरूरत थी। और आपने देखा होगा, हैदराबाद कॉरपोरेशन के चुनाव के पहले वो एयरपोर्ट पे पूरी फौज लेकर के मेरा स्वागत करने के लिए आते थे, बढ़िया बढ़िया माला पहनाते थे, बहुत सम्मान करते थे, याद है ना? फिर क्या हुआ भाई, अचानक मंद हो गए? अचानक इतना गुस्सा क्यों निकल रहा है?